अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं पहचाने पाकिस्तान न्यूज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर शेख सईद अहमद की जानिब से पार्टी अहदेदारों और मेंबरान के एजाज़ में दावत सहूर का अहतमाम किया गया। इसमें शुरका ने नई हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। देखते हैं रियाज से जिकिर अहमद भट्टी की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शेख सईद अहमद की जानिब से मनकदा दावत सहूर में लीगी अहदेदारों और मेंबरान ने शिरकत की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत काबीना के अराकीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि नई हुकूमत पाकिस्तान को जहां माशी बहरान से निकालेगी, वही मुल्क को दिगर मसाइल से निकाल कर बेहतरी की जानिब गामज़न करेगी और वर्सेज पाकिस्तानों के मसाइल को अपनी अवलिन तरजीहात में शामिल करते हुए उन्हें हल तलब बनाएगी और वर्सेज पाकिस्तानियों को मुल्क के अंदर भी सहूलियात फराहम करेगी, जिससे बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानी की हौसला अफजाई होगी और वो मजीद दिलजमी के साथ मुल्क कौम की खिदमत कर सकेंगे। शुरका वजीर खारजा इसहाक डार को भी मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लीगी अहदेदारों ने वजीर अला पंजाब मरियम नवाज को भी मुबारकबाद देते हुए कहा कि मरियम नवाज बतौर वजीर अला पंजाब की अवाम के बेहतर अंदाज में खिदमत कर रही हैं। दावत सऊर से शेख सईद अहमद, महमूदुल हक जोगर, चौधरी सज्जाद अली मखदूम, अमीन ताजर, डॉक्टर महमूद अहमद बाजवा समेत दिगर ने भी इजहार ख्याल किया।